मंडला जिले की अंजनिया पुलिस चौकी के अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 में फिर से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रायपुर से जबलपुर की ओर सीमेंट लेकर जा रहा एक ट्रक ट्रैक्टर को बचाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि यहां पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि यहां पर प्रशासन के द्वारा किसी भी सूचना का बोर्ड नहीं लगाया गया है और आए दिन रोड के दोनों तरफ भारी वाहनों के खड़े होने की वजह से भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जबकि प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। ये एक्सीडेंट हुआ, इसका कारण क्या है? किस स्पीड से तुम चल रहे, क्या वहाँ कोई बोर्ड लगा था? नहीं। या कुछ था? नहीं। उसका कारण क्या है? मैं आ रहा था, डाउन उतर रहा था, उधर से सामने से चक्कर आया, गाड़ी को देख नहीं रखा, उसको बचाने के चक्कर में उधर बता दिया। सामने कौन आ गया था? गाड़ी आ गई थी। ट्रैक्टर ट्रैक्टर कहाँ से आया? उसको बचाने के लिए गाड़ी उधर दबाने पड़ा, सामने से गाड़ी आ गई। क्या रोड में कोई ऐसा सूचक बोर्ड लगा हुआ है जिसकी वजह से तुम स्पीड कम कर सको? नहीं, रोड की नहीं है, ब्रेकर की। यहाँ आस पास यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं? हाँ, आजू बाजू दोनों साइड रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हाँ, किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं। क्या नाम? राकेश दुर्गे। गाड़ी कहाँ है? छिंदवाड़ा।